जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्णा इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण विषय पे कि प्रायः लोग सोचते हैं कि जो हम लोग पितृपक्ष में खाना अर्पण करते हैं तो वो हमारे पितरों तक कैसे पहुँचता है और कितना महत्वपूर्ण है। और श्राद्ध पक्ष की अब जो है अमावस्या आई खड़ी है शनिचरवार को, उससे पहले मुझे लगा ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचे और वो समझ के अपने पितरों को तृप्त करें। तो दोस्तों लोग यही सोचते हैं कि श्राद्ध में समर्पित की गई जो वस्तुएँ हैं पितरों को कैसे मिलती हैं। कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद गतियों में भिन्न भिन्न गतियों में जो है पितर चले जाते हैं। कोई वृक्ष बनता है, कोई हाथी बनता है, कोई यक्ष बनता है, कोई गंधर्व बनता है, कोई सर्प बनता है। तो ये जो है मन में शंका बनी रहती है कि ये छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों की तृप्ति कैसे होती है। इस शंका का जो समाधान है स्कंद पुराण में बहुत सुंदर तरीके से दिया गया है। एक बार राजा करंधम जो है महाकाल योगी से पूछते हैं कि मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण या पिंडदान किया जाता है तो वो जल पिंड आदि तो सब यही रह जाते हैं, तो वो पितरों के पास वे वस्तुएं पहुंचती कैसे और कैसे पितरों की तृप्ति होती है। तो महाकाल योगी जो है वो बताते हैं कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति हैं अग्निश्वाद आदि देवता। पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वे दूर से कहीं भी होंगे वो हमारी बातें सुन लेते हैं, दूर से ही पूजा ग्रहण कर लेते हैं, दूर से की गई स्तुतियां उनको प्राप्त हो जाती है, उनसे वो प्रसन्न हो जाते हैं। वो भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं, वे सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन मात्राएं हैं, मन बुद्धि अहंकार और प्रकृति, और इन तत्वों से उनका शरीर बन जाता है। और इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं, इसलिए देवता और पितर गंध व रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से तृप्त रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वो प्रसन्न रहते हैं और फिर वर देते हैं। पितरों का आहार है अन्न जल का रस तत्व, जैसे मनुष्यों का आहार अन्न है, पशुओं का आहार तृण है, वैसे ही पितरों का आहार अन्न का सार तत्व है, गंध और रस है। अतः ये सब जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं, शेष जो स्थूल वस्तुएँ हैं वे सब यही रह जाती हैं। किस रूप में पहुंचता है पितरों का नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जब जल अन्न आदि पितरों को दिया जाता है, विश्वदेव एवं अग्निश्वात दिव्य पितर हब कब को पितरों तक पहुंचा देते हैं। यदि पितर देव योनि को प्राप्त हुए हों तो वो दिया गया अन्न उन्हें अमृत के रूप में प्राप्त होता है। अगर वो गंधर्व बन गए हैं तो भोगों के रूप में प्राप्त होता है। अगर पशु योनि में है तो उनको तृण के रूप में प्राप्त होता है। अगर वो नाग योनि में है तो उनको वायु के रूप में प्राप्त होता है। अगर यक्ष योनि में है वो लोग तो उनको पान के रूप में प्राप्त होता है। सर्प योनि में है तो उनको वायु के रूप में प्राप्त होता है। और अगर वो राक्षस योनि में है तो उनको रुधिर के रूप में प्राप्त होता है। और अगर वो मनुष्य योनि में है तो अन्य भोग योग तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में उनको प्राप्त होता है। जिस प्रकार बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ ही लेता है, उसी प्रकार नाम गोत्र व हृदय की भक्ति एवं देश काल आदि के सहारे दिए गए पदार्थों को मंत्र पितरों के पास पहुँचा देते हैं। जीव चाहे सैकड़ों योनि दूर ही क्यों ना हो पितरों से तृप्ति तो उनके पास पहुँच ही जाती है। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधित्व होते हैं। एक बार पुष्कर तीर्थ में जब रामचंद्र जी जो हैं अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे थे, राम जी जब ब्राह्मणों को
भोजन कराने लगे तब सीता माता जी जो है वृक्ष की ओट में खड़ी हो गई। जब बाद में रामचंद्र जी माता सीता से पूछते हैं कि इसका क्या कारण था, तब माता सीता जी ने बड़े आश्चर्य से उनको बताया कि आप यकीन नहीं करेंगे कि आपको जब नाम गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता दादा का आवाहन किया जब आपने, तब वहाँ ब्राह्मणों के शरीर रूप में छाया के रूप में वो सटकर उपस्थित खड़े हुए थे। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर दिखाई दिए, पितृगण दिखाई दिए, अथा भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कैसे करती, इसीलिए मैं ओट पे खड़ी हो गई। जिससे ये प्रत्यक्ष पता चलता है कि ब्राह्मणों के रूप में पितर जो हैं ग्रहण करने हव पदार्थ सब आते हैं। पितर प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, समझ लीजिए। श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और व्रज वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आयु पुत्रान यशा स्वर्ग कीर्ति पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्रापुण्याद पितृपूजनाथ। यमराज जी का कहना है कि जो लोग श्राद्ध करते हैं उनको छह प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। श्राद्ध क्रम से मनुष्य की आयु बढ़ती है, पितरगण मनुष्य को पुत्र आदि प्रदान करते हैं, वंश वृद्धि होती है, परिवार में धन धान बढ़ता है। श्राद्ध क्रम से मनुष्य के शरीर का बल पौरुष पुष्टि प्राप्त होती है, पितरगण स्वास्थ्य बल श्रेय धन आदि सब प्रकार के सुख स्वर्ग मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से सब प्रकार के कलेश विघ्न दरिद्रता दूर होते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको ये बनाया हुआ श्राद्ध पे वीडियो के पितरों तक कैसे भोजन पहुँचता है और ये कितना महत्वपूर्ण है अवश्य पसंद आएगा। और आशा करता हूँ ये आने वाली अमावस्या पे आप अपने पितरों को अवश्य प्रसन्न करेंगे। जय श्री कृष्णा।